बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 26 न्यूज़ एचडी। मैं हूं जवाद अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत मुहालिफ मुहिम में तेजी। मरियम नवाज की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। लॉन्ग मार्च के तरीकाकार और बरामिया पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद पहला पड़ाव फैजाबाद पर डालने की तजवीज़। सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली पर गौर। पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एहतमाद की तजवीज़ पर भी मुशावरत। मुल्क लूटने वालों से कोई डील नहीं होगी, शिबली फराज कहते हैं। पीडीएम अपनी क्यादत के लिए क्लीन चिट की तलाश में है। पीडीएम में शामिल जमातों का नजरिया एक नहीं, शो ऑफ हैंड के लिए इलेक्शन में शफाफियत के दावेदारों का पोल खुल जाएगा। डेली मेल केस में नून लीग खुशियां मनाने में जल्दबाजी ना करे, अभी तो कार्रवाई का आगाज हुआ है। अगला अदालत का फैसला आने पर मिठाइयाँ खाने वालों को पता चल जाएगा। लंदन की अदालत का फैसला, हुकूमत के मुंह पर तमांचा। डेली मेल केस की स्टोरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में प्लांट किए गए। इमरान खान और डेविड रोज की मुलाकात, तस्वीर सबके सामने है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान और शहजाद अकबर डेली मेल केस में फौरी सहूलतकार थे। इमरान खान अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। एहसासात के मुशिया का सबूत बोलने का एक भी रिकॉर्ड है। कभी ब्रीफ केस और कभी ब्रॉडशीट केस में रिश्वत लेते पकड़े गए। शहजाद अकबर का शहबाज शरीफ को लंदन में अदालती कार्रवाई का चैलेंज। कहा, मरियम औरंगजेब बहुत ढटाई के साथ झूठ बोलते हैं। केस तो अभी चलना शुरू हुआ और जीत कैसे होगी। जज ने कहा, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में इसी केस पर मुंह की खा चुके हैं। फवाद चौधरी का नून लीग पीपल्स पार्टी जेयूआई को एक पार्टी में जम होने का मशवरा दिया। कहा, मौलाना का वजूद केपीके के चार अजला तक महदूद है। पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध और नून लीग वस्ती पंजाब तक की पार्टी बन चुकी। पीडीएम क्यादत अदालतों से डेट न मिलने पर मायूसी का शिकार है। तहरीक इंसाफ ने मुकामी हुकूमतों का निजाम देकर वादा पूरा कर दिया। फिरदौस आशिक अवान ने कश्माला को कैश माला का नाम दे दिया। कहा, यह नहीं हो सकता करोड़ों डॉलर्स अकाउंट में डालकर लोगों का कत्लेआम हो। पीडीएम पर भी तनकीद। कहा, मौलाना के साथ हाथ हो गया। अपोजिशन वाले 5 घंटे एक दूसरे के आंसू पहुंचते रहे। हुकूमत को सेनेट में वाज़ेह हैसियत हासिल होगी। शहबाज गिल बोले, क़यादत बंद कमरों में नहीं काबीना में क़यादत करते हैं। इमरान खान के किसी रिश्तेदार के पास कोई हुकूमती इक़तदार हासिल नहीं। अली मादिल शेख के भाई का फार्म हाउस भी शामिल। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह खुद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। बिलावल के हुक्म पर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। हलीम आदिल शेख का इल्जाम। कहा, आवाम के सनती मसाइल पर लड़ने की वजह से मेरी आवाज दबाई जा रही है। स्टे ऑर्डर के बाद आप मेरी हिम्मत को डीमोलिश नहीं कर सकते। फिरदौस शमीम नकवी का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। SHO थाना सिविल लाइन साहिवाल रजा बोधला की पतंग फरोश और आतिशबाजी का सामान बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान से भारी मकदार में पतंगे दाती डोर और आतिशबाजी का सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 26 न्यूज HD या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 26newsHD.tv।